दोस्तों यहाँ पे आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं आपके नए चैप्टर से शुरुआत करें जिसका नाम है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कंपनी जो होता है वो एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम क्या आज के लेक्चर में क्या समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम है, हमारे जो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो कंपनी क्या होता है, कंपनी हमने सीधी साधी भाषा में पढ़ी थी, कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जो कि आपके एग्जिस्टेंस में तभी आता है जब वो क्या कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी कंडीशंस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, जो भी प्रोविजंस होंगे उसको फुलफिल करता है, तभी कोई भी जो कंपनी होती है वो क्या फॉर्म करती है। अगर मेरी कंपनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के आपके प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो ही नहीं करती है तो भैया वो कंपनी फॉर्म होगी क्या? फॉर्म नहीं होगी मेरे भाई, उसको क्या फॉलो क्या करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे चार्टर का नाम क्या, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है तो सीधी साधी भाषा में अगर मैं बात करूं, जब कभी भी कोई भी कंपनी जो होती है रजिस्टर होती है या फिर इनकॉर्पोरेट होती है किसके पास, आरओसी के पास। आरओसी कौन होता है, आरओसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है, ठीक है, जो कि अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। जब कभी भी कोई भी कंपनी आपके रजिस्टर या फिर इनकॉर्पोरेट होती है कहां पे, आपके जब कभी भी कोई भी कंपनी आपके आरओसी द्वारा क्या रजिस्टर की जाती है तब वो कंपनी जो कहलाती है, तब जाके वो कंपनी क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। लेकिन वो आरओसी होना भी कहां का होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी होती है, ठीक है, अब आपकी कंपनी का जो हेड ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू, मैं आपके मुंबई में, या हाँ चलो मुंबई में है आपका, ठीक है, तो आप अगर आपकी जो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है आप यूपी में जाके नहीं करवा सकते, आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मुंबई में ही करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में लोकेटेड है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, रजिस्ट्रिंग और इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इन द स्टेट वेयर द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। क्या बोला गया है, जब कभी भी कोई भी जब हम क्या करते हैं रजिस्टर या फिर इनकॉर्पोरेट करते किसी भी कंपनी को, किसके पास, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, वो भी उस स्टेट में जहां पर आपकी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो क्या होने वाला है। तो इसी चीज को क्या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या बोला जाता है। एग्जाम में आया तो लिख देना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रेफर्स टू द रजिस्ट्रिंग और द इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द कंपनी विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द स्टेट वेयर द कंपनीज हेड ऑफिस इज टू बी लोकेटेड। क्लियर हो गया। अब यहां पर अब कंपनी फॉर्म हो रही है, सही बात है, तो कंपनी फॉर्म करने के लिए एक बंदा रहता है जिसके पास आइडिया आता है कि भैया अब हमें क्या करना है, हमें ये कंपनी क्या फॉर्म करनी है, इतने बड़े पैमाने पे फॉर्म करना है या फिर स्मॉल स्केल पे हमें क्या फॉर्म करना है। वो आइडिया लेकर आता है कि मेरी जो कंपनी होगी किस चीज की, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी या फिर ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब एक ऐसी कंपनी जो क्या करता है, गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है सर, जो एक सामान से एक जगह से सामान उठाएगा और दूसरी जगह बेचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक वो जो बंदा होता है जो डिसीजन लेता है कि मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए कि ट्रेडिंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होती है किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर ट्रेडिंग होगी तो किस चीज की हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, तो ये सारी चीजों का एक बंदा होता है जो क्या करता है, आपका पूरा प्लान बनाता है। उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोचा कि मुझे एक कंपनी बनानी है, ठीक है, कौन सी मुझे बनानी है, आपके स्टील मैन्युफैक्चरिंग की क्या बनानी है, मुझे क्या कंपनी क्या बनानी है, समझ में आ गया, स्टील मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की मुझे क्या कंपनी क्या फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे सारे जो प्रोसेस होते हैं, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जितने भी प्रोसेस होंगे रजिस्ट्रेशन के वो मैं करवाऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट शेयरेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए वो मैं फॉलो करूंगा, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं प्रमोटर कहलाऊंगा। अगर आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप एक ऐसे बंदे हो जो कंपनी फॉर्म करने की सोच रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे ये कंपनी फॉर्म करनी, ये स्केल में हम लोग फॉर्म करेंगे, और कंपनी के फॉर्म करने का जितना भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स होता है वो रिक्वायर्ड यानी अवेलेबल करवाने आप करवा रहे हो, तो आप क्या कहलाते हो, आप कंपनी के क्या प्रमोटर क्या कहलाते हो। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा है क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, प्रमोटर मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जो कंपनी फॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसको क्या बोला गया, यहाँ पे प्रमोटर बोला गया। अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 के तहत कंपनीज जो होती है वो नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी क्या करती है, बनती है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की कंपनी जो नंबर ऑफ मेंबर्स पे क्या डिपेंड करती है। अगर आपकी कंपनी है जिसमें कम से कम 7 मेंबर्स है, कितने, 7 मेंबर या फिर 7 प्रमोटर है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, आपकी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा ज्यादा, तो आपकी कंपनी में अगर कम से कम 7 लोग है तो आपकी कंपनी क्या बन सकती है, पब्लिक कंपनी क्या बन सकती है। अगर आपकी कंपनी में कम से कम 2 लोग है, आपकी कंपनी में कम से कम 2 लोग है, या फिर आप 2 लोग हो और सोच रहे हो कि कंपनी फॉर्म करो, तो आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हो।
कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अब आप बोल रहे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मैं तो अकेला हूं, तो मैं कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकता हूँ। तो भैया आप 1% कंपनी क्या फॉर्म कर सकते हो, समझ में आ गया। अगर आप 7 लोग हो, 7 लोग मिलकर एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो आप पब्लिक कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगर आप सिर्फ 2 लोग हो, 2 लोग मिलकर एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हो। अगर आप एक अकेले और कंपनी फॉर्म करना चाहते हो तो आप 1% कंपनी क्या फॉर्म कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और भी चीज है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो हमने देखा कि ये जो कंपनी है वो नंबर ऑफ मेंबर्स पे भी क्या अलग अलग तरह की कंपनी। अब यहाँ पे ऐसी कंपनी भी है जो नंबर ऑफ शेयर्स पे भी क्या डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब कंपनी जो होती है कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी बेस्ड होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्या लगता है, आपको 1 करोड़ का क्या कैपिटल लग रहा है, कितने करोड़ का कैपिटल लग रहा है आपको, 1 करोड़ का क्या कैपिटल लग रहा है, ठीक है। अब ये कैपिटल आप कैसे बना रहे हो, आप कैपिटल लोन लेके ले रहे हो, आपकी कुछ सेविंग थी वो अपने मम्मी पापा से ले लिया, आपके रिलेटिव से ले लिया, तो मतलब आप कैपिटल बना रहे कैसे हो, आप लोन लेके बना रहे हो, अपनी सेविंग ले रहे हो, मम्मी पापा से ले रहे हो, रिश्तेदार से ले रहे हो, फिर जाके आपका क्या कैपिटल बन रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल बोलते हैं, मतलब कि आपका जो पैसा आप जो बिजनेस में लगा रहे हो वो पैसा आप जमा कैसे कर रहे हो, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब कंपनी जो होती है कैपिटल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है। अब कुछ कंपनी जो होती है वो क्या कहती है, शेयर देती है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी कंपनी है, ठीक है, आप कंपनी में क्या कर रहे हो, आप किसी से उधार नहीं ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि भैया ये मेरी कंपनी के शेयर है आप खरीद लो, ठीक है। तो वहां पे आप कंपनी में क्या कर रहे हो, हिस्सेदारी कर रहे हो। अब यहाँ पे साथ ही साथ मैं बता दूं जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब आप लोग सर कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेयर आपने क्या कर दिया, इश्यू कर दिया, उस शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। कितने रुपए थी, कीमत 10 रुपए थी। अब उसमें से उसने कितना दे दिया आपका, 10 में से 8 रुपए दे दिया, ठीक है। अब उसके बचा कितना, 2 रुपया देने के लिए बाकी था। अब कंपनी को लॉस हो, फायदा हो, नुकसान हो, तो कंपनी से उसे कितने रुपए के, कितना रुपया और मांग सकती, 2 रुपया ही और मांग सकती, उससे ज्यादा रुपया मांग सकती क्या, नहीं मांग सकती है। तो मतलब जितना जितने का उसका हिस्सा है, मतलब जितना उसकी हिस्सेदारी है, जितना उसका शेयर है, जितना उसने पेड किया रहेगा, उसके बाद जितना अमाउंट से बचा रहेगा उतने के लिए ही वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा। उसके ऊपर कोई भी अमाउंट रहेगा तो वो पे करेगा क्या, वो नहीं पे करेगा दोस्तों। क्लियर हो गया। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भैया देखो यहाँ पे एक चीज, सबसे पहली चीज क्लियर कर लो कि कंपनी जब बंद होगी तो मैं एक पर्टिकुलर 100 अमाउंट क्या आपको क्या दूंगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यही होती है। मतलब ये होता है कि जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो यह बोलते हैं कि भैया कंपनी की ये जो कंपनी जब बंद होने वाली रहेगी या फिर डूबेगी या फिर किसी रीजन की वजह से शटडाउन करना पड़ेगा, तो मैं जब कंपनी बंद होगी तो मैं ये 100 एंड 100 अमाउंट क्या देने वाला हूं। तो यहाँ पे वो गारंटी देते हैं कि मैं 100 एंड 100 अमाउंट क्या दूंगा, तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों जहां पर जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी क्या होती है वो लिमिटेड नहीं रहती, अनलिमिटेड होती है। यानी उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी वो भी क्या यूज की जा सकती है कंपनी के ऊपर जो कर्जा होगा या फिर जो पैसा है पे करने के लिए। क्लियर हो गया। अब स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब कंपनी के 3 स्टेजेस है। सबसे पहला आता है प्रमोशन स्टेज आता है, फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आता है, फिर आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आता है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रमोशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी कंपनी अगर फॉर्म करना है तो सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 आपके 1 में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहली चीज कंपनी जो फॉर्म होनी चाहिए वो लॉफुल पर्पस के लिए होनी चाहिए। मतलब आप कंपनी अगर फॉर्म कर रहे हो तो सिर्फ कानूनी कामों के लिए ही कर सकते हो, मतलब जो लीगल कानूनी काम नहीं, मतलब एक ऐसा काम जो कानून के नजर में क्या होगा सही होगा उसी के लिए फॉर्म कर सकते हो। जैसे आप कपड़े बनाने के लिए फॉर्म कर सकते हो, आप ट्रेडिंग करने के लिए फॉर्म कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, इस चीज सारी चीजों के लिए क्या फॉर्म कर सकते हो। लेकिन आप स्मगलिंग करने के लिए नहीं फॉर्म कर सकते, आप मर्डर करने के लिए कोई कंपनी नहीं फॉर्म कर सकते। क्लियर हो गया। अब पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 रहते हैं और 1% कंपनी में क्या 1 मेंबर होते हैं। अब जितने भी प्रमोटर्स होते हैं, जितने भी कंपनी के प्रमोटर्स मतलब मैंने ऑलरेडी बताया एक ऐसा बंदा जो क्या करता है कंपनी के फॉर्मेशन का पूरा जो जिम्मा उठाता है या फिर कंपनी के फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस क्या करता है पूरा करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम जो होना चाहिए वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या समझेंगे, बस इतना समझ कर लो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब प्रमोटर को साथ ही साथ क्या करना पड़ता है, जितने भी प्रोविजंस होते हैं क्या कंपनीज एक्ट 2013 में आपकी कंपनी को फॉर्म करने के लिए वो सारे प्रोविजंस क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। कंप्लाई का मतलब क्या होता है, फॉलो करना।
कंप्लाई का मतलब क्या होता है, फॉलो करना। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है क्लियर आउट हो गई होंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अब यहाँ पे चलो अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? अब जब प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है या फिर जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड रहता है हम वो लेते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्रमोशन क्या बोलते हैं। क्या बोला है? टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इज नोन एज द प्रमोशन। मतलब एक कंपनी को क्या करना है, कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेस लगता है, जो प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। अभी जो प्रमोशन का काम जो बंदा करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन हो सकता है? प्रमोटर एक अकेला इंसान भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी, जैसे मैंने बताया दो लोग, एक कंपनी, एक जो कंपनी होती है वो भी हो सकती है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ऑलरेडी कंपनी है, मैं एक और कंपनी बनाना चाहता हूं, तो जो मेरी कंपनी है वो क्या कर सकती है, वो एक कंपनी और क्या फॉर्म कर सकती है, तो वो प्रमोटर कहला सकती है। एक एसोसिएशन मतलब 10 लोग 15 लोग मिलकर भी क्या कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। एक सिंडिकेट मतलब क्या, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी क्या कर सकता है, आपका फॉर्म क्या कर सकता है, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज भी क्या कर सकता है, फॉर्म क्या कर सकता है। क्लियर हो गया? अब सेक्शन 269 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रमोटर कौन हो सकता है? सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रमोटर वो हो सकता है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो या फिर एनुअल रिटर्न में उसका नाम लिखा हो। और प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कहीं ना कहीं आपको इनवाइट करता है कि भैया आओ और मेरी कंपनी के शेयर्स करो। जहां पे प्रोस्पेक्टस में कंपनी का एनुअल टर्नओवर के बारे में लिखा रहा है, कितने शेयर्स इश्यू कर दिए गए, कितने शेयर्स इश्यू किए जा रहे, कंपनी पे कितना कंपनी पे कितना कर्ज है, कितना मार्केट में पैसा है, ये सारी चीजों के बारे में क्या प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न मतलब क्या होता है? अब हम लोग बोलते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो टैक्स रिटर्न में आपका क्या रहता है, प्रमोटर का नाम रहता है। जैसे अगर आप अपनी टैक्स फाइल करोगे तो वहां पे आपका नाम रहता है, तो उसी तरह से प्रमोटर वही रहता है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है भैया कि कंपनी का प्रमोटर वही रहेगा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न में मेंशन रहेगा, तो वो क्या रहता है, आपका प्रमोटर क्या रहता है। साथ ही साथ प्रमोटर उसे भी बोला जाता है जो क्या करता है, जो कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है या फिर जो कंपनी के जो काम होते हैं वो क्या कंट्रोल करता है। वो कंट्रोल कैसे भी कर सकता है, एज अ शेयर होल्डर बन के, एज अ डायरेक्टर बन के, या फिर और कोई जो पोस्ट होती है उसको कैप्चर करके। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ प्रमोटर वो कहलाता है जिसके हिसाब से सारे जो कंपनी में जो काम होते हैं, सारे चीजें जो होती है वो क्या परफॉर्म की जा रही है। अगर प्रमोटर, अगर एक मैं ऐसा बंदा, मैं बोलता हूँ ये फाइल को आपको रखना, ये क्लाइंट आपको मिलना, ये क्लाइंट से नहीं मिला, यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और मेरे हिसाब से सारी चीजें हो रही है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, प्रमोटर कहलाऊंगा। मेरा नाम अगर प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न में है तो मैं क्या कहलाऊंगा, प्रमोटर कहलाऊंगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कंपनी के सारे जो काम काज है वो एज अ शेयर होल्डर या फिर एज अ डायरेक्टर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं प्रमोटर कहलाऊंगा। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे रोल ऑफ प्रमोटर क्या होता है, सबसे पहली चीज रोल ऑफ प्रमोटर में क्या आता है, टू कम अप विद द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। अब सबसे पहली चीज मैंने ऑलरेडी बताया, प्रमोटर क्या होता है, एक ऐसा बंदा जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि मुझे ये बिजनेस क्या खोलना है, मुझे इस तरह की क्या कंपनी फॉर्म करनी। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, एक आइडिया ब्रिंग अप करना कि भैया कि इस तरह की कंपनी हमें क्या चालू करनी। फिर अब कंपनी चालू करे तो कंपनी चालू करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है। साथ ही साथ अब यहाँ पे ये भी इसको पता करना रहेगा कि एक जो कंपनी अगर हम स्टार्ट करें तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है, और वो भी इसको पता होना चाहिए कंपनी हम किस लेवल पे काम करने वाले हैं। हम एक लोकल लेवल पे ही काम करेंगे या फिर स्टेट लेवल पे काम करेंगे या फिर नेशनल लेवल पे काम करेंगे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, तो ये भी चीज उसको क्या डिसाइड करनी रहती है। और साथ ही साथ उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे जो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे मोआ हो गया, आपका एओए हो गया, मोआ मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। अब साथ ही साथ वो क्या करेगा, अपने आप को एज अ फर्स्ट डायरेक्टर क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, अपना नाम एज अ फर्स्ट डायरेक्टर क्या देगा आपके मोआ में। ठीक है, अब साथ ही साथ वो क्या करेगा, जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो कंपनी स्टार्ट होने वाली रहती है लेकिन उससे पहले जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, आपकी कुछ चीजें आउटसोर्स करता है या फिर कुछ चीजों में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा, अब अगर फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, रॉ मटेरियल के लिए साइन आउट कर लेगा, तो ऐसे बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या करता है, साइन करता है।
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंपनी फॉर्म यानी इनकॉर्पोरेट होने के पहले से हुआ है। अब जो भी कोई चीज जो इनकॉर्पोरेट होने से पहले क्या हुआ रहता है उसको हम लोग प्री बोलते हैं। तो इस तरह से इसको क्या बोला जाता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है या फिर प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर हो गया। अब फिडिशियल ड्यूटीज टुवर्ड्स कंपनी, अब यहां पे आपके प्रमोटर की जिम्मेदारी ये भी रहती है कि वो कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल रहे, वो हमेशा क्या देखे, जनरल इंटरेस्ट देखे, सबॉर्डिनेट इंटरेस्ट ना देखे। मतलब वो कंपनी का अगर काम कर रहा है, कंपनी अगर फॉर्म कर रहा है तो वो ये हमेशा क्या करेगा, ध्यान में रखेगा कि वो कंपनी जब फॉर्म कर रहा है तो वो अपना फायदा ना देखे, वो कंपनी का फायदा देखे। समझ में आ गया ये उसका क्या मेजर काम रहेगा। अब स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ कंपनी, सबसे पहला क्या आता है, कम अप विद द बिजनेस ऑफ आइडिया और एक्टिविटी। मैंने ऑलरेडी समझाया तो मुझे शायद वापस समझाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान, अब यहाँ पे ये सोचेगा कि ये यहाँ पे एक लिस्ट बनाएगा कि मुझे क्या क्या जो चीजें वो रिक्वायर रहेंगी, क्या एसेट रिक्वायर रहेगा, वो सारी चीजें सोचेगा। अब उसके बाद उनकी वैल्यू निकालेगा, वैल्यू निकालने के बाद अब उसको क्या मिल जाएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कितना पैसा उसको लगने वाला है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसकी जो वैल्यू है वो उसको क्या मिल जाएगी। अब वैल्यू मिल गई तो अब मुझे पैसे कहाँ कहाँ से लेने, कहाँ कहाँ से मैं इंतजाम करूंगा, तो वो मैं डिसाइड करूंगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, सोर्सेज ऑफ कैपिटल बोलता हूँ। क्या सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ कैपिटल मतलब कि मुझे पैसे आने के, कैपिटल आने के लिए जो जरिए होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या वो सोचेगा। फिर उसके बाद प्रिपेयर ड्राफ्ट और मोआ और एओए। अब कंपनी जैसे ही फॉर्म होने का सोचेगा तो वहां पे वो क्या करेगा, कुछ लोगों को हायर करेगा, जहां पे वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या एंटर होगा और अपने जो डॉक्यूमेंट यानी जैसे मोआ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करेगा, प्रिपेयर क्या करवाएगा, क्या करने के लिए, आपका मोआ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बनाने के लिए, और खुद को क्या करेगा एज अ फोर्स डायरेक्टर क्या नॉमिनेट करेगा और सारे जो कामकाज की जिम्मेदारी है अपने ऊपर क्या लेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन वाली जो चीज है हमने पूरी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने प्रतिगिरि कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।